हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि अपवर्क का अकाउंट कैसे क्रिएट होता है और अपवर्क के अकाउंट को कैसे वेरीफाई करते हैं। सो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हुसैन, आप देख रहे हो HKR टेक यूट्यूब चैनल। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो दोस्तों, पहले क्रोम पे हम सर्च कर लेते हैं अपवर्क। अब जो पहला लिंक है इस पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर आपको राइट हैंड पे टॉप पे साइनअप का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको साइनअप पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको राइट हैंड पे आई एम आ फ्री लांसर लुकिंग फॉर वर्क, इस पर क्लिक चेक मार्क लगा के अप्लाई एज अ फ्री लांसर पे क्लिक करना है। और अब यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम, अपना लास्ट नेम, अपना ईमेल एड्रेस, पासवर्ड ये डालना है। और यहाँ पे जो आप नाम डालोगे अपना, तो वो आपका आईडी कार्ड पे जो है ओरिजिनल नेम वही आपको यहाँ डालना है। कोई आप फेक नेम इसमें यहाँ पर नहीं डाल सकते, इससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है आपके अकाउंट पर। तो लास्ट नेम मैं अपना डाल देता हूँ, फिर ईमेल में कॉपी कर लेता हूँ अपनी ईमेल एड्रेस से निकाल के। ये मेरा ईमेल है तो मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ ईमेल डाल देते हैं। अब यहाँ नीचे पासवर्ड डालना है। पासवर्ड आपको एक ऐसा यूनिक रखना है जो कोई आसानी से कोई भी हैक ना कर सके, ठीक है। इसके बाद आपको नीचे चेक मार्क पे क्लिक करके क्रिएट माय अकाउंट पे क्लिक करना है। फिर एक अगेन आप क्रिएट माय अकाउंट पे क्लिक करें, इसको इग्नोर कर दें, नीचे जो मैसेज आ रहा है, ठीक है। हम इस पर क्लिक करते हैं दोबारा, ये थोड़ा सा टाइम लेगा। अभी इसके बाद मेरे ईमेल पे एक अपवर्क की ईमेल आएगी वेरीफाई करने के लिए ईमेल एड्रेस को। तो अभी देखिए ये आ गया रीसेंट वेरिफिकेशन ईमेल। तो इस पर अब हम देख लेते हैं, मेरे पास ईमेल आई है। ये अपडेट में जाता हूँ तो मेरे पास अपवर्क की ईमेल आई है वेरीफाई करने के लिए ईमेल एड्रेस को। तो इस पर क्लिक करके आए, ईमेल वेरीफाई कर लेते हैं। तो ये अब मेरा ईमेल वेरीफाई हो गया है। अब यहाँ पे आपको गेट स्टार्ट पे क्लिक करना है, क्योंकि ईमेल आपका वेरीफाई हो गया है। तो अब यहाँ पे आपको गेट स्टार्ट पे आपने क्लिक किया, उसके बाद आपको यहाँ पे फर्स्ट जो ऑप्शन है इट्स न्यू टू मी है, यानी आप नए हैं तो इसलिए आपको फर्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, टू मेक मनी ऑन द साइड। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ आपको सेंटर में क्लिक करना होगा, आई लाइक पैकेज अप माय वर्क फॉर क्लाइंट्स, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट करें। अगर आपके पास लिंक्डइन है तो आप लिंक्डइन यहाँ पे लिंक कर सकते हो अपना, वरना आप नीचे फिल आउट मैन्युअली लिखा उस पर क्लिक करना होगा आपको। उसके बाद आप यहाँ पे जो आपका एक्सपीरियंस है वो आप यहाँ पे टाइटल डाल सकते हो, यानी आपका किस फील्ड के में हो आप, ग्राफिक डिज़ाइनर हो जो भी हो आप, तो उसका आप यहाँ पे टाइटल डाल दो आप अपना कि क्या आपकी स्पेशलिटी किस में, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ अपनी एजुकेशन डालनी है, अपना एजुकेशन ऐड करना है। तो मैं ऐड कर लेता हूँ अपना एजुकेशन, वैसे मेरे को कंफर्म तो याद नहीं है, लेकिन मैं अपना डेट अटेंड डाल देता हूँ। फिर सेकेंड में मैं एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन कब होगा मेरा, तो वो ईयर में सिलेक्ट किया है मैंने, ठीक है, 2024। और यहाँ पे स्कूल यूनिवर्सिटी कराची यूनिवर्सिटी से मैंने स्टडी की है, ये मैं डाल देता हूँ। आप अपनी अपनी जो एजुकेशन है वो यहाँ पे फिल करना, उसके बाद आपको सेव करना होगा। सेव करने के बाद जैसे आप नेक्स्ट करोगे तो लैंग्वेज का ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पे आप इंग्लिश लैंग्वेज सिलेक्ट हुई हुई है, इसके बाद आप मल्टीपल भी ऐड कर सकते हो, जैसे उर्दू, हिंदी, बंगाली। उसके बाद आपको राइट हैंड पे आप फ्लुएंट है या आपकी इंग्लिश या बेसिक है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो अगर मैं रिकमेंड करूँ तो आप फ्लुएंट ही रहने देना, क्योंकि इससे एग्ज़ाम में आपको कस्टमर्स को अच्छा इंप्रेशन आएगा फ्लुएंट इंग्लिश से। अब आप जिस आप ठीक है, उसके बाद आपके ये सजेस्ट कर रहा है मेरी स्किल्स को, तो यहाँ पे आप की भी जो आप कैटेगरी सिलेक्ट करोगे उस हिसाब से आपको भी सजेस्ट करेंगे स्किल्स। तो यहाँ आपके आप अपने हिसाब से ऐड कर देना, नॉर्मल चूज योर एरिया ऑफ वर्क। यहाँ आपको अपनी डिस्क्रिप्शन डालनी है, तो मैं अपनी डिस्क्रिप्शन निकाल लेता हूँ, ये मैंने पहले ही एडिट की हुई थी, तो यहाँ मैं पेस्ट कर लेता हूँ। अब आप यहाँ अपनी स्किल, उसके बाद आपको चूज योर एरिया ऑफ वर्क इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ कैटेगरी सिलेक्ट करनी है कि किस कैटेगरी में आप अपनी सर्विसेज देना चाहते हो। तो मैं डिज़ाइन एंड क्रिएटिव में दूंगा, तो मैं नेक्स्ट करूँगा। तो ठीक है, आप अपने हिसाब से अपनी कैटेगरी दे देना। तो सब कैटेगरी में भी कैटेगरी मेरी ग्राफिक्स से रिलेटेड है, तो मैं ग्राफिक्स सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पे आपको जो फर्स्ट पे होली रेट आप कितना एक घंटे का चार्ज करते हो, तो वो आपको लिखना है। मैंने $15 लिखे हैं, यानी एक घंटे के $15 चार्ज करता हूँ। सो आप देख सकते हो कि $12
अपवर्क रखेगा वो $12 मुझे मिलेंगे, अपवर्क $3 रखेगा अपनी सर्विस का काटेगा जो हमें सर्विस दे रहा है अपवर्क अपने प्लेटफॉर्म पे। उसके बाद आप सेव करोगे तो यहाँ पे आपको प्रोफाइल ऐड करने का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो एक आप अच्छी सी प्रोफाइल ऐड करें, अभी मेरे पास तो अभी नहीं अवेलेबल है नहीं, तो इसलिए मैं रेंडमली किसी की भी लगा रहा हूँ। ठीक है, आप एक अच्छी सी वेल ड्रेस में अपनी प्रोफाइल ऐड करना आपको यहाँ पे। उसके बाद आपका एड्रेस जो है आपका आईडी कार्ड पे जो आप जो अभी जहाँ पे आप रह रहे हो तो वहीं का आप एड्रेस यहाँ मेंशन करना। इसके अलावा कोई भी फेक एड्रेस आप नहीं डालना यहाँ पे। नीचे आपको सिटी का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो वहाँ अपनी सिटी सेलेक्ट कर देना, पोस्टल कोड जो आपका है सिटी का वो आप डाल देना। उसके बाद आपको नीचे नंबर देखने को मिलेगा, उसके बाद चेक योर प्रोफाइल पे आपको क्लिक करना होगा। सो आप देख सकते हो कि मेरी प्रोफाइल जो है पर की सक्सेसफुली क्रिएट हो गई है, और यहाँ पे सबमिट प्रोफाइल का आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। आप अगर एजुकेशन या एक्सपीरियंस ऐड करना चाहते हो तो वो भी ऐड कर सकते हो प्लस के बटन पे क्लिक करके, और बाकी स्किल्स और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन भी एडिट पे जो पेंसिल का ऑप्शन बटन है उस पर क्लिक करके एडिट कर सकते हो। अब सबमिट प्रोफाइल के बाद आपकी प्रोफाइल अपर के पास जाएगी, अब वो लोग विद इन 24 या उसके अंदर ही आपका प्रोफाइल को अप्रूव कर देंगे। तो अभी ये मैंने अप्रूव के लिए भेज दिए, सबमिट कर दिए प्रोफाइल अपनी। अब मैं व्यू में प्रोफाइल करके देखता हूँ, तो वैसे भी अभी ईमेल मेरे पास कोई आई नहीं है अभी। सो दोस्तों आप देख सकते हो मेरा अपर का अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।